हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 7 और वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। तो इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा मोटा मोटा सा समझते हैं, फिर उसके बाद डिटेल से इसके बारे में सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में है उसको पढ़ेंगे। तो ये एक्ट क्यों लाया गया, तो इसके नाम से भी इसके टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनके साथ में कोई क्या है मतलब क्रूरता न करे, उनके साथ में कोई गलत व्यवहार न करे, उनको कोई सताए ना। क्रुएल्टी का मतलब होता है कि किसी के ऊपर जुल्म करना, सताना, तकलीफ पहुंचाना। तो क्रुएल्टी से जानवरों को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि जानवरों को किसी भी तरीके का बिना ज़रूरत के कोई तकलीफ़ न पहुंचाई जाए। ज़रूरत है तो बात अलग है, बिना ज़रूरत के तकलीफ पहुंचाने से रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। जो बहुत सारे जानवर होते हैं जिन पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जानवरों से, हमको बहुत सारी वहाँ से दवाएँ भी मिली हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जानवरों के साथ में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ये नहीं कि जिस जानवर को चाहा पकड़ा और उसको चीर फाड़ किया, प्रोसीजर किया और ऐसे ही छोड़ दिया, वो बेचारा तड़प रहा है मतलब जब तक उसको मौत नहीं आ रही है। तो इस तरीके से जो जानवरों के साथ में जानवरों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उनको भी किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ऐसे ही ये एक्ट उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी बनाया गया कि जो जानवर डोमेस्टिक नहीं है, यानी जो घरेलू जानवर नहीं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इसके अलावा जो कैप्टिव जानवर है, कैप्टिव जानवर मतलब जो घरेलू नहीं है बल्कि दूसरे जानवर है, उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, चूहा, रैबिट्स, तो ये घरेलू जानवर नहीं है, यानी इंसानों के पर्पस के लिए ये मतलब यूज़ नहीं होते घरों पे आमतौर से। तो ऐसे जानवरों को अगर कोई क्या है ब्रीडिंग के लिए अपने यहाँ पे रखता है, ऐसे जानवरों का कोई ब्रीडिंग कराता है, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन कराता है ऐसे ही, या तो फिर उनको क्या है एस्टेब्लिशमेंट करता है, यानी उनका एक पूरा स्टोर बनाता है, अपने पास रखता है, तो ऐसे लोगों को भी कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। तो इसके बारे में चलिए अब थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो आप समझ चुके हैं कि दिस एक्ट हैज़ बीन मेड टू प्रिवेंट ह्यूमंस फ्रॉम क्रुएल्टी टू एनिमल्स एंड टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम नीडलेस पेन एंड सफरिंग। तो ये जो एक्ट है ये बनाया गया था इंसानों को रोकने के लिए कि वो जानवरों को के साथ में क्रुएल्टी न करें, मिसबिहेव न करें, उनको तकलीफ न पहुँचाएँ, ठीक, बिला ज़रूरत के। और अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, इस टाइप की चीज़ें करना चाहता है, तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा तब वो कर सकता है, और उसके ऊपर भी मतलब पूरी एक निगरानी होती है, ऐसा नहीं कि कोई भी कर लेगा कभी भी जाके, उसकी पूरी निगरानी होती है। एक कमेटी है IAEC कमेटी, इंटरनेशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे कॉलेज के अंदर हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है, किसी क्या कहते हैं क्या किसी मतलब दवा बनाने वाली कंपनी का जो लेबोरेटरी, वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा है तो इसका एक बंदा वहाँ निगरानी करेगा। समझ में आ रही बात, यानी उसको किसी जानवर पे एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी ये आदमी देखेगा जो इस कमेटी का आदमी है, और जब वो प्रोसीजर हो रहा होगा तो उस वक्त में भी देखेगा और होने के बाद भी देखेगा, और उसके हिसाब से गाइडलाइंस देता है उनको, उनको कुछ बातें बताता है कि आपको कैसे इसको रखना है, नहीं रखना है, अगर मान लीजिए कोई चीरा फाड़ी करना है तो फिर उसमें एनेस्थेटिक वगैरह देना है, तो ये सारी चीज़ें उनको बताता है। और ये जो कमेटी के लोग होते हैं ऐसे नहीं होते कि अरे गहरे, बल्कि वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, डिग्री होती है, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रिकग्नाइज्ड किए जाते हैं, तब जाके वो उस पोस्ट पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसान लोग हैं उनको क्या है, उनको रोकने के लिए कि वो जानवरों को क्या है क्रुएल्टी के साथ उनके साथ पेश ना आए, उनको तकलीफ़ ना पहुंचाए, उनको सताए ना बिला ज़रूरत के, और एंड टू प्रिवेंट एनिमल्स और इंसान और जानवरों को क्या है नीडलेस पेन से बचाने के लिए, यानी जानवरों को क्या है कि बिला ज़रूरत के उनको तकलीफ़ न पहुँचे और वो सफ़र न करें बीमारियों से, तकलीफ़ों से, तो उससे बचाने के लिए ये एक्ट क्या है बनाया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दिस एक्ट इज़ पास टू प्रिवेंट एनिमल्स फ्रॉम अननेसेसरी पेन, ठीक है, अननेसेसरी पेन से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया। ऐसे ही टू गिव पनिशमेंट फॉर कॉजिंग अननेसेसरी पेन,
और ये एक्ट इसलिए भी बनाया गया कि अगर कोई जानवरों को बिला ज़रूरत के उनको तकलीफ पहुंचा रहा है तो उसके लिए सज़ा दी जाएगी। ऐसे ही टू आइडेंटिफाई क्रुएल्टी, और ये भी बताने के लिए कि क्रुएल्टी हम किसको कहेंगे, यानी किस तरीके से बिहेव कर रहा है कोई जानवरों के साथ में, तो उसको क्रुएल्टी माना जाएगा और फिर उसको सज़ा दी जाएगी, तो इसके लिए भी ये एक्ट बनाया गया। ऐसे ही टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड गाइडलाइन रिलेटिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स फॉर साइंटिफिक पर्पज़, और अगर साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यानी कोई रिसर्च करने के लिए अगर कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है जानवरों के साथ में, तो उसके लिए गाइडेंस और गाइडलाइंस बनाने के लिए, उसके लिए गाइडलाइंस यानी कुछ रूल रेगुलेशन बनाने के लिए और गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, यानी जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो गाइडेंस में होगा, किसी की निगरानी में होगा जो कि क्या क्वालिफाइड पर्सन होगा, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए ये एक्ट बनाया गया, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य थे। ठीक, अब कुछ डेफिनेशंस हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो टर्म है जिसको आप समझना है तो वो क्या है, एनिमल्स। तो एनिमल किसको कहेंगे, तो जो भी इंसानों के अलावा जो भी जानवर हैं वो सब क्या है, जो भी लिविंग क्रिएचर है, इंसानों के अलावा जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सब क्या है, एनिमल कहलाएंगे। ठीक, दूसरा एक टर्म है कैप्टिव एनिमल्स। तो कैप्टिव एनिमल्स क्या होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जानवर जिनको क्या है इंसानों ने क्या हेल्ड कर रखा है, यानी अपने कब्जे में ले रखा है, और ये वो जानवर होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं नॉन, जो कि डोमेस्टिक ना हो। ठीक है, यानी डोमेस्टिक जानवरों के अलावा, उसके अलावा जो जानवर है डोमेस्टिक जानवर यानी जो घरेलू जानवर हैं उनके अलावा जो जानवर हैं उनको इंसानों ने क्या अपने पास हेल्ड कर लिया, यानी अपने कब्जे में ले रखा है, उनको पकड़ रखा है। ठीक, और क्या है, एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्किपिंग, एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्कीपिंग नहीं है, ये एस्केपिंग है, एस्केप होता है ना किसी के, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई जेल में है वहाँ से छूट के भाग गया, कोई पिजड़े में वहाँ से छूट के भाग गया, तो उसको स्केपिंग बोलते हैं। तो क्या है, जो इंसान ने अपने कब्जे में ले रखा है उसको स्केप नहीं होने दे रहा है। ठीक है, अब वो जो उसका कब्जा है वो चाहे परमानेंटली हो चाहे वो टेम्पररी हो, समझ में आ रही बात, यानी किसी जानवर को उसने अपने कब्जे में पकड़ लिया, मान लीजिए जंगल में गया कोई हिरन वहाँ से पकड़ के लाया और अपने पिंजरे में या अपने घर में अपने कहीं पे भी उसको क्या है पकड़ के रख रहा है, समझ में आ रही बात, और उसको भागने नहीं दे रहा है, तो उसको ऐसे जानवरों को हम लोग बोलते हैं कैप्टिव एनिमल्स। ठीक है, और ये जो जानवर है वो क्या है डोमेस्टिक नहीं होने चाहिए। ऐसे ही क्या एक टर्म है आपके यहाँ डोमेस्टिक एनिमल, जो कि आप अच्छे से जानते हैं, यानी जो घरेलू जानवर्स हैं जिनसे इंसानों का कुछ फ़ायदा मतलब जुड़ा रहता है, जैसे दूध पीना उससे या उसका क्या है बच्चे दिलवाना फिर उसको बेचना गोश्त खाना, तो इस टाइप के जो जानवर हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक, ऐसे ही क्या है एक टर्म है फूका और डूम देव, फूका और डूम देव, तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे व्यापारी होते हैं वो जो भैंसों को बेचते हैं गायों को बेचते हैं, तो वो जब बेचना रहता है तो उनका जो थन होता है जहाँ पे दूध रहता है तो उसमें क्या एयर डाल भर देते हैं या कोई और इंजेक्शन या कोई ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें जिससे मतलब उसको थोड़ा सा इफेक्ट किया जा सके, ताकि सामने वाले को लगे कि मतलब ये जो मतलब गाय है या भैंस है बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है दुधारू है, तो उसको दुधारू दिखाने के लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फूका या डूम देव। ठीक है, और ये उन जानवरों में किया जाता है कि जो मिल्च एनिमल्स हैं, तो मिल्च का मतलब होता है दुधारू यानी दूध देने वाली, जिसको लैक्टेटिंग भी कह सकते हैं, तो दुधारू जानवरों के साथ में ये किया जाता है। उसमें अब आगे की जितनी भी चीज़ें हैं ना उसके बारे में उसने पूछा एक ओवरव्यू, यानी बहुत डिटेल नहीं पढ़ना आपको, हल्की फुल्की सी जानकारी उसके बारे में लेना है, तो उन्हीं में से एक क्या है CPCSEA, तो इसका फुल फॉर्म है द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन ऑन एनिमल्स, समझ में आया, यानी वो जानवर जिनको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उनका सुपरविजन करना और उनको कंट्रोल करने के पर्पस से जो कमेटी बनाई गई है उसको बोलते हैं CPCSEA। ठीक, और ये किसके अंडर में ये कमेटी बनती है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक कमेटी है समझ लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके अंडर में ये कमेटी बनी है, और ये जो कमेटी बनाई जाती है ये जो कमेटी है CPCSEA, तो ये इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ये जो एक्ट है यानी हम लोग जिसके बारे में पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तो उस एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, समझ में आ रही बात, ये जो एक्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, उसके सारे प्रोविजंस को लागू करने के लिए जो कमेटी है उसका नाम है CPCSEA। इतना लंबा फुल फॉर्म है, अगर याद कर सकते हो तो आप कर लो। ठीक, अब ये जो कमेटी है इसके अंडर में फिर एक दूसरी कमेटी बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग IAEC। ठीक,
ठीक है, क्या बोलते हैं IAEC, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एनिमल एथिक्स कमेटी, इंटरनेशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो इस कमेटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। तो ये जो IAEC है इज अ कमेटी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्संस रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द CPCSEA। तो जो CPCSEA इसके जरिए से कुछ लोगों को क्या है रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, यानी उनको मान्यता दी जाती है, उनको रजिस्टर्ड किया जाता है, और वो जो लोग हैं और रजिस्टर्ड पर्सन है इन्हीं से मिलकर फिर ये कमेटी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। तो ये जो कमेटी है तो कौन बनाता है, किसके अंडर में कमेटी बनती है, तो ये जो CPCSEA इसके अंडर में कमेटी बनती है। एंड द इंडिविजुअल्स ऑफ दिस कमेटी वर्क अंडर गाइडेंस ऑफ CPCSEA, और इस कमेटी के जो लोग हैं वो इसके गाइडेंस के अंदर काम करते हैं, यानी इनकी निगरानी में, इनके अकॉर्डिंग, इनके कहने के हिसाब से ये लोग काम करते हैं। जैसा ये रेगुलेट करते हैं, जैसा इनको चलाते हैं, वैसे ये लोग काम करते हैं। इनके भी अपने खुद के बहुत सारे पावर हैं, असल तो क्या यही लोग संभालते हैं सारा काम जो IAEC है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना, इनका फंक्शन है मतलब पूरा जो जानवरों को एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, कौन रखेगा, किसको लाइसेंस देना नहीं देना, तो ये सारा काम किसका होता है, IAEC का होता है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं, तो क्या है भाई देखते हैं इसके फंक्शन। इट गिव्स, यहाँ पे गिव्स एस लगा लीजिए, इट गिव्स अप्रूवल फॉर ऑल रिसर्च प्रोजेक्ट्स आर रिलेटेड टू एनिमल्स। तो ये कह रहे हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड जितने भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ये कि जानवरों पे अगर क्या है एक्सपेरिमेंट करना है तो उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वो अप्रूवल कौन देता है, तो ये IAEC इंटरनेशनल एनिमल एथिक्स कमेटी देती है। उसके बिना अगर आप जानवरों पे कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इनसे पूछे बगैर, इनका इनसे अप्रूवल लिए बगैर, तो आप क्या है एक तरीके से कानूनन जुर्म कर रहे हैं और आपके ऊपर क्या है आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है, आपको सजा हो सकती है 3 महीने की। ऐसे ही क्या है, एवरी मेंबर ऑफ IAEC हैज राइट टू क्वेश्चन और अप्रूव एनी प्रोजेक्ट। ऐसे ही जो इसके मेंबर है, यानी जो ये कमेटी है, इसके जो भी मेंबर है, उस हर एक मेंबर को क्या है ये राइट है, ये उसके पास पावर है टू क्वेश्चन, यानी वो जाके कहीं पे मान ली एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकता है, यानी ऑब्जेक्शन कर सकता है जाके वहाँ पे, और उस काम को अगर चाहे तो वो रोक भी सकता है। यानी जो उनको अप्रूवल मिला हुआ है, अगर वो देख रहा है कि यहाँ पे मतलब अप्रूवल तो दे दिया गया लेकिन जो रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो वो डिसअप्रूव भी कर सकता है। समझ में आ रही, वो डिसअप्रूव कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट को, यानी उसको वहीं पर रुकवा सकता है वो। ऐसे ही इट कांट अप्रूव एनी रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन लार्ज एनिमल्स लाइक डॉग्स, ये कैट्स है ये, ठीक है, कैट्स, गोट्स एक्सेट्रा। तो ऐसे ही जो बड़े जानवर हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च अगर करना चाहता है तो उसकी परमिशन ये नहीं देगा, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली और बकरी वगैरह हो गई, तो इनके ऊपर क्या है कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए अप्रूवल मांगता है तो ये अप्रूवल नहीं देते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही ये जो कमेटी है, इट मॉनिटर्स, ये कमेटी पूरी तो नहीं जाएगी, कोई उसका एक आदमी, एक मेंबर जाएगा, तो इट मॉनिटर्स द रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड। तो ये कह रहे हैं कि जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट होने से पहले भी वो जानवर को देखते हैं कि इसकी हालत कैसी है, क्या वो इस लायक है कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, नहीं तो पता चला है बेचारा बीमार है और उसी में उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो और ज़्यादा वो तकलीफ में पहुँच जाएगा। तो इस कमेटी का मकसद ही असल है कि जानवरों को क्या है तकलीफ से बचाया जाए। तो वही कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट से पहले भी ये लोग क्या है जानवर को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, ऐसे ही ड्यूरिंग जब उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तब भी उस पर ये निगाह रखते हैं, सुपरविजन उनका होता है, ऐसे ही आफ्टर एक्सपेरिमेंट या जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद भी वो जानवरों को देखते हैं, और अगर जैसी ज़रूरत होती है कि उनके साथ में कौन सी दवा उनको यूज़ किया जाए नहीं किया जाए तो वो सब कुछ गाइड भी करते हैं। और क्या, द कमेटी इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल बिफोर द एक्सपेरिमेंटेशन। ऐसे ही अगर एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है, अगर ऐसे ही क्या एक्सपेरिमेंटेशन मतलब होने वाला है तो उस होने से पहले वो ये भी इंश्योर करते हैं, देखते हैं, कन्फर्म करते हैं कि सारे इक्विपमेंट्स जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो प्रोजेक्ट को रोक देते हैं। ऐसे ही क्या, इट प्रोवाइड्स रिसर्च बेस्ड प्रोपोजल टू प्रिवेंट अननेसेसरी पेन। ऐसे ही क्या है, जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उनको मतलब क्या कहते हैं तकलीफ़ न पहुँचे, कम से कम तकलीफ़ पहुँचे, तो उसके लिए वो लोग क्या है
रिसर्च बेस्ड गाइडलाइंस और प्रपोजल पेश करते हैं जो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको, कि आप ये चीज़ें अपनाओ ताकि इस तरीके से आप करोगे तो जानवरों को क्या है कम से कम तकलीफ पहुंचेगी। अब एक टॉपिक था जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना था, तो वो क्या है, ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब होता है, तो ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि प्रजनन कराना यानी रिप्रोडक्शन कराना, यानी जैसे कि मान लीजिए आप दो जानवर लेके आए फिर उनको रिप्रोडक्शन करा के उसको मतलब और बढ़ा रहे हैं बिजनेस के पर्पज से, समझ में आ रही बात, बिजनेस के पर्पज से आप अगर ये ब्रीडिंग कर रहे हैं यानी उनका उनकी नस्ल को बढ़ा रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो उसी के बारे में है, तो नो वन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स के ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, तो अगर बिजनेस के पर्पज से कोई ये करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता है जब तक कि वो क्या है रजिस्ट्रेशन न करा ले यानी लाइसेंस न ले ले। ऐसे ही और ट्रेड ऑफ एनिमल्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंट, या एक्सपेरिमेंट के पर्पज से अगर कोई बेचता है, समझ में आ रही बात, एक्सपेरिमेंट के पर्पज से अगर कोई जानवरों को बेचना चाहता है तो उसको उसके लिए भी क्या है उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी ये काम कर सकता है। ऐसे एक टॉपिक है स्टॉकिंग ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का क्या है स्टॉक करना, अपने पास जमा करके रखना, एस्टेब्लिशमेंट करना, तो उसके रिलेटिंग भी कुछ बातें आपको जानना चाहिए। तो द एनिमल्स शुड बी स्टॉक्ड बाय द रजिस्टर्ड ब्रीडर्स और एस्टेब्लिशमेंट इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जानवरों को कोई मतलब स्टोर करना चाह रहा है तो पहली बात तो हर कोई उसको मतलब क्या कहते हैं स्टॉकिंग नहीं कर सकता है, सिर्फ वही कर सकता है जो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं ब्रीडर और एक होते हैं एस्टेब्लिशमेंट। जो ब्रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रजनन कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं, फिर उनको अपने पास रखते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रजनन तो नहीं कराते लेकिन अपने पास बहुत सारा वो रखते हैं, बेचते हैं उसको। तो दोनों तरीके के लोगों को क्या है, अगर वो जानवरों को अपने पास स्टॉक करके रख रहे हैं तो ये बातें जो नीचे आ रही हैं उनको ध्यान देना चाहिए, उस पर अपने क्या है और उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि जानवरों को तकलीफ न पहुँचे। पहली चीज़ क्या है, तो एनिमल हाउसेज शुड बी लोकेटेड इन अ क्वाइट प्लेस एंड प्लेसेज शुड बी टाइडी हाइजेनिक एंड प्रोटेक्टिव फॉर एनिमल्स फ्रॉम वेदर प्रॉब्लम्स। तो ये कह रहे हैं कि जो भी आप जहाँ पे भी एनिमल्स को क्या है आप मतलब स्टोर कर रहे हैं, उनको स्टॉक करके रख रहे हैं, तो उनका जो घर है सबसे पहली बात क्योंकि वो ऐसे एरिया में होना चाहिए जो कि क्या है क्वाइट प्लेस हो, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं शोर शराबा ना हो, ट्रैफिक की आवाज़ें ना आ रही हो, पों दिन भर हो रहा है तो सो नहीं पा रहे, तो इस तरीके से क्या है पो दिन भर रात भर हो रहा है, तो ऐसी जगहों पे नहीं होना चाहिए जिससे उनको तकलीफ पहुंचे। ठीक, ऐसे जो प्लेसेस हैं वो क्या है टाइडी होना चाहिए, ये नहीं कि पता चला लाके डाल दिया उसी में बेचारे हग रहे हैं, मूत्र सब उसी में गंदगी फैली हुई है, उसी में रह रहे उसकी सफाई नहीं हो रही है, तो ये भी नहीं, उसका क्या है टाइडी होना चाहिए। ऐसे ही हाइजेनिक होना चाहिए यानी बैक्टीरिया वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें हैं उससे भी वो पाक साफ होना चाहिए। ऐसे ही जो जगह है वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए उनके लिए, यानी पता चला खूब धूप पड़ रही है ऊपर से कुछ उसके ऊपर छत ही नहीं है वो उसमें जल रहे हैं, या बहुत ठंडक पड़ रही है उसमें वो तड़प रहे हैं, तो इस टाइप की जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं वेदर प्रॉब्लम है तो उससे भी क्या है उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए। अगर कोई इनको स्टोर करना चाह रहा है तो उसको ऐसे बनाएगा जो स्टोर हाउस है उनका। ऐसे क्या एनिमल केजेस फॉर स्मॉल एनिमल्स एंड स्टेबल्स फॉर लार्ज एनिमल्स शुड हैव सफिशियंट स्पेस सो दे कैन लिव इन कम्फर्ट। ये कह रहे हैं कि जो छोटे जानवरों के लिए केज बनाया जाता है यानी पिजरा जो बनता है, या जो बड़े जानवरों के लिए स्टेबल्स मतलब अस्तबल होता है, स्टेबल का मतलब अस्तबल, छोटे जानवरों के लिए जो पिजरा वगैरह बनाया जा रहा है या जो बड़े जानवरों का अस्तबल है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा होना चाहिए कि मतलब वो जो जानवर उसके अंदर रह रहे हैं वो अपना मतलब आसानी से और क्या कहते हैं आराम से रह सके, लिव इन कम्फर्ट, यानी वो आसानी से उसमें रहे। ये नहीं कि पता चल रहा है कि छोटा सा एक पिजड़ा है उसी के अंदर 10 चूहे भर दिए, वो बेचारे घूम भी नहीं पा रहे इधर उधर, या एक छोटा सा कमरा है और उसके अंदर उसने क्या बहुत सारे कुत्तों को लाके भर दिया, समझ में आ रही बात। तो उनके पास मतलब जो भी उनका बना रहे हो आप वो मतलब सफिशियंट जगह वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे क्या है एनिमल्स शुड बी लुक्ड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट बाय ए ट्रेन एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन। ये कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी उनको क्या लुक आफ्टर करना है। लुक आफ्टर का मतलब ये होता है कि उनको ध्यान से देखना, उनको मतलब लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना होता है, लुक आफ्टर का मतलब ख्याल रखना, किसी का केयर बोलते हैं ना केयर करना, ऐसे ही लुक आफ्टर का मतलब होता है ख्याल रखना। तो उनका क्या है ध्यान देना, उनका ख्याल करना है कि वो बीमार हो गया तो नहीं है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के बाद भी उन पर पूरी तवज्जो रखनी है कि उनको दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, अगर कुछ हो रही है तो उसका समाधान किया जाए।
ऐसे ही एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये कलरफुल करना चाहिए था, मैं भूल गया हूँ। तो ये एक टॉपिक है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है तो उस वक्त में क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए, तो उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू लेना है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। तो इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स फॉलोइंग कंडीशंस शुड बी कंसिडर्ड। तो एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है तो ये चीज़ें उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड इन एवरी केस अंडर द सुपरविजन ऑफ ए क्वालिफाइड पर्सन। तो ये कह रहे जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो चाहे कोई भी कंडीशन हो, एक क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन में, उसकी निगरानी में होना चाहिए। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म्ड विद ह्यूमैनिटी। ऐसे कह रहे जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसमें क्या है, आदमी को इंसानियत अपने अंदर थोड़ा बाकी रखना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हैवान बन जाए, दरिंदगी के साथ नहीं करना है, बल्कि रहमदिली के साथ उनके साथ, जानवरों के साथ पेश आना है। ऐसे क्या है, एनिमल्स शुड बी लुक्ड आफ्टर केयरफुली बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो ये कह रहे हैं कि जो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी उनको, मतलब क्या है, लुक आफ्टर यहाँ पे भी आ गया, मतलब उनका वही बात ऊपर जो आई थी वही यहाँ पे भी है कि उनको बहुत ध्यान से देखना है, उनका ख्याल करना है, केयर करना है कि इनको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो उसके क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट से पहले भी करना है और फिर क्या है, एक्सपेरिमेंट के बाद भी उनका ख्याल रखना है। ऐसे ही क्या है, द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग ऑपरेटिव प्रोसीजर should be performed under influence of anesthetics to prevent pain perceptions। ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जिसमें ऑपरेशन वाला प्रोसीजर हो रहा है, यानी चीर फाड़ करना है, इस टाइप का कोई प्रोसीजर है, तो ये कह रहे हैं कि शुड बी परफॉर्म्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेटिक, तो वो एनेस्थेटिक के इन्फ्लुएंस में करना, यानी एनेस्थेटिक देने के बाद उसका जो असर होता है, यानी एनेस्थेटिक देने के बाद दर्द का एहसास आदमी को पता नहीं चलता, सेंस वगैरह क्या है आदमी लॉस कर देता है, ऐसे ही जानवरों को भी एनेस्थेटिक दे के तब आप ऑपरेशन वाला प्रोसीजर करेंगे ताकि उनको दर्द का जो एहसास है वो ना हो। इफ एनिमल्स आर सो इंजर्ड दैट दे आर रिकवरी इज पेनफुल और सफरिंग, दे शुड बी डिस्ट्रॉयड ह्यूमनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनेस्थेटिक। ये कह रहे हैं कि अगर कोई मतलब प्रोसीजर किया गया और वो जानवर इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी रिकवरी मतलब मुमकिन नहीं है, या बहुत उसको तकलीफ देगी उसकी रिकवरी, पता चला कि एक महीने तक वो ऐसे ही बीमार रहेगा, ना खा पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, चल पाएगा, तो बहुत तकलीफ होगी उसको, तो और उसको क्या हमेशा वो उसको झेलेगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या है, उसको जानवर को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी उसको एनेस्थेटिक दे के और उसको क्या है, मार देना चाहिए, ताकि जो उसको लंबे समय तक एक तकलीफ पहुँचने वाली है उससे वो उसको बचाया जा सके। ऐसे ही क्या है, when there is a reason to believe that an animal is suffering from severe pain at any stage of a continuing experiment, it should be painlessly destroyed at that stage without the proceeding the experiment। इसका क्या मतलब है पूरे सेंटेंस का, इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है और फिर ये लग रहा है कि इस जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, आपने एनेस्थेटिक दे भी रखा है फिर भी आपको ये लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, समझ में आ रही है, चाहे वो आपका एक्सपेरिमेंट किसी भी स्टेज पे पहुंच गया हो, ये कह रहे हैं कि आपको उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पे रोकना है और जो वो मतलब जानवर है उसको क्या है, पेनलेसली डिस्ट्रॉय कर देना, यानी एनेस्थेटिक वगैरह देके उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, और ये नहीं कि आप कह रहे कि चलो हो रहा तकलीफ तो होने दो, इतना काम हो गया, तो नहीं, कह रहे जहाँ पे आप हैं उसी स्टेज पे रोक दीजिए, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे ना बढ़ाइए, आप दोबारा करिएगा ज़रूरत पड़ेगी तो, लगता है कि कोई गलती वगैरह हो गई है, जानवर को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँच रही है, तो आपको उसी स्टेज पर उसी पॉइंट पर अपना एक्सपेरिमेंट रोकना है और उस जानवर को पेनलेसली यानी बिना तकलीफ पहुँचाए डिस्ट्रॉय कर देना है। ऐसे क्या है, एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड फॉर इलस्ट्रेशन। ऐसे कह रहे हैं कि इलस्ट्रेशन के लिए आपको परफॉर्म नहीं करना, यानी कि ऐसे किसी एग्जाम्पल देना है कि जानवरों के अंदर ये चीजें होती हैं और फौरन काट के उसको दिखाने लग जा रहे, तो इस पर्पस के लिए नहीं, बल्कि कोई साइंटिफिक रीजन हो तब आप क्या है एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऐसे क्या है एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी परफॉर्म्ड फॉर द पब्लिक शो, या आप ये जो एक्सपेरिमेंट है वो लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए ऐसे ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट होता है, इसके अंदर ये चीजें होती है, तो शोबाजी करने के लिए भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक। अब एक टॉपिक और था जिसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, तो क्या ट्रांसफ़र एंड एक्विजिशन ऑफ, यहाँ पे ऑफ एफ लगा लीजिए, ऑफ एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जानवरों को एक्वायर करना, अपने पास लेना है या उसको कहीं भेजना है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ आपको पढ़ना है। तो जो ब्रीडर है, ए ब्रीडर विल नॉट ट्रांसफ़र एनी एनिमल बाई सेल और अदर वे टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन।
तो ये कह रहे हैं कि जो ब्रीडर है, जो मतलब उनका प्रजनन करा रहा है, रिप्रोडक्शन करा रहा है, अगर वो मतलब वो रजिस्टर्ड है वो खुद, लेकिन किसी दूसरे को जिसके पास भेज रहा है, तो वो हर एक को नहीं भेजेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही भेजेगा, चाहे वो सेल करे चाहे फ्री में दे, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन को ही देगा। ठीक, ऐसे ही क्या है, एन एस्टेब्लिशमेंट शैल नॉट एक्वायर एनी एनिमल एक्सेप्ट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड ब्रीडर और एस्टेब्लिशमेंट। ऐसे ही क्या है, बहुत सारे लोग क्या है जो अपने पास जानवरों को जमा करके रखते हैं, अगर वो खरीद रहे हैं जानवरों को अपने पास जमा करके रखने के लिए, चाहे वो किसी ब्रीडर से ले रहे हो, चाहे किसी एक्स या किसी एस्टेब्लिशमेंट से ले रहे हो जिसने अपने पास रखा है उससे खरीद रहे हो, चाहे वो खरीदें चाहे वो फ्री में दें, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से लेना है जो रजिस्टर्ड है, ये इसका मतलब है। ऐसे ही रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, एवरी एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी शुड मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ एनिमल्स अंडर कंट्रोल। तो ये कह रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो ब्रीडर है जिसने अपने पास जानवरों को रखा हुआ है, या जो इंस्टीट्यूशनल कमेटी है ये एनिमल्स से रिलेटेड, तो उनके अंडर में जो भी जानवर है उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस जानवर, कितने जानवर हमारे पास हैं, और फिर कितने को हमने एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा है, किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इस सबका रिकॉर्ड भी उनको क्या है मेंटेन करना है। ऐसे क्या है, ऑल दी लेबोरेटरीज शुड इन्फॉर्म दी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनिमल्स टू दी अथॉरिटीज एंड मेंटेन रिकॉर्ड। ऐसे जो भी लेबोरेटरीज है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो जो उनके पास जानवरों के एग्जैक्ट मतलब नंबर है, यानी जितने जानवर है उतना पूरा बताना, ये नहीं कि मान लो ये कह रहे हैं उनके पास 100 जानवर हैं, अरे कह रहे हैं हाँ होंगे 80-85 के करीब, तो नहीं, जितना है उतना एग्जैक्ट आपको बताना है, और जो मतलब अथॉरिटीज हैं, और आपको खुद को भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है जो लेबोरेटरीज वाले हैं। ठीक, ऐसे ही एक टॉपिक और है, पावर टू सस्पेंड और रिवोक द रजिस्ट्रेशन। तो इसका क्या मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन, किसी को लाइसेंस दे दिया गया है, उसको रजिस्टर कर दिया गया है कि वो ब्रीडिंग कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि अगर ये जो कमेटी है IAEC, तो वो चाहे तो कभी भी अगर देख रही है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, तो वो फिर क्या है उनके लाइसेंस को सस्पेंड भी कर सकती है और रिवोक भी कर सकती है। सस्पेंड का मतलब ये है कि कुछ दिनों के लिए मान लीजिए सस्पेंड कर दिया, फिर बाद में वो मतलब उनको इशू मतलब क्या कहते हैं रीइशू कर दिया, और रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर दिया परमानेंटली। तो इसका पावर भी इनके पास होता है, ठीक है, यही इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि जो कमेटी है उसको अगर ये दिखता है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो उनका जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड भी कर सकती है, और फिर अगर देखती है कि उन्होंने मतलब, और उनको एक अपॉर्चुनिटी भी देगी, एक मौका देगी कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, इसको सही कर लो, वरना आपका लाइसेंस हम लोग सस्पेंड कर देंगे। माने सस्पेंड कर दिया, उन्होंने बात नहीं मानी, सस्पेंड करने के बाद फिर उन्होंने मन्नत समाजत की, कहा कि देखिए हम लोग सारे काम संभाल लेंगे, अब गलत नहीं करेंगे, सही से करेंगे, तो फिर दोबारा से उसको क्या है ये रीइश्यू भी कर सकते हैं। और अगर कोई नहीं मान रहा है, गलती पे गलती किया जा रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी क्या है ये लोग कैंसिल कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या है, एक टॉपिक और है, ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। इफ ही और शी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर ये गलतियां कर रहे हैं तो उसको सजा मिलेगी। तो क्या है, एग्जिबिट्स और ट्रेंस एनी एनिमल्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराए बगैर, यानी क्या कहते हैं लाइसेंस लिए बगैर, अगर कोई जानवरों को एग्जिबिट्स कर रहा है, यानी नुमाइश लगा रहा है बेचने के लिए, या उनको ट्रेंड कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, मान लीजिए शेर पकड़ के लाया उसको सिखा रहा है, रजिस्ट्रेशन के बिना अगर कर रहा है तो भी एक तरीके का क्या ऑफेंस है। ऐसे ही डज नॉट अलाउ एनी अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट द प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। ऐसे कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूशन है, कोई लेबोरेटरी है जहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो जो इस कमेटी के लोग हैं IAEC के, अगर वो जाके इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो उनको अगर वो रोकता है तो ये भी एक जुर्म है, क्योंकि वो इस कमेटी के आदमी, उनको पूरी परमिशन, वो जा सकते हैं, तो कोई अगर रोकता है तो ये भी एक तरीके का क्या है ऑफेंस है, जुर्म है, उसकी भी सजा मिलेगी। सजा क्या है अभी आगे आप पढ़ रहे हैं। ऐसे क्या है, हाइड्स एनी एनिमल टू अवॉइड इंस्पेक्शन। ऐसे क्या है, वो अपने यहाँ पे जानवरों को छुपा दे रहा है, मतलब इंस्पेक्शन के लिए कोई आ रहा है, कुछ जानवरों को गायब कर दे रहा है, छुपा दे रहा है, तो ये भी तरीके का जुर्म, अगर पकड़ा गया तो उसको सजा मिलेगी। ऐसे क्या है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड, इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है कि इसके बावजूद, यानी हालांकि उसने क्या है रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसके बावजूद कि उसने क्या है रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसने क्या लाइसेंस ले रखा है, फेल्स टू प्रोड्यूस सर्टिफिकेट विद नो जेन्युइन रीजन। वो क्या है, फेल हो जा रहा है अपना क्या कहते हैं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने में, यानी अपना सर्टिफिकेट वो दिखा नहीं पा रहा है
हालांकि सर्टिफिकेट बनवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन सर्टिफिकेट अपना दिखा नहीं पाया जब उससे मांगा गया और कोई उसका मतलब जेन्युइन रीज़न भी नहीं बता रहा है, तो भी क्या है वो एक तरीके से मुजरिम माना जाएगा। तो ही एंड शी अगर ये सारे काम कोई कर रहा है तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, विल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स, तो उसको 3 महीने की क्या है जेल की सजा हो सकती है और फाइन ऑफ 500 रुपीज़ या 500 रुपये के उसको जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों उस पर लगाया जा सकता है। तो ये जो आपका चैप्टर था यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।